Hey, my name is Avinash Chaudhary and welcome to my YouTube channel. अगर आप मुझे जानते हैं तो आपका उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप मुझे नहीं जानते हैं तो भी कोई बात नहीं है, आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो धीरे धीरे आप मुझे जान ही जाएंगे। बेसिकली प्रोफेशन और पैशन से मैं फोटोग्राफर और पिछले 2.5 साल से फोटोशूट्स करते आया हूँ। सो आज हम यहाँ 0 माइल फ्रीडम पार्क पर शूट करने आए थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ नया शुरू किया जाए। सो बेसिकली दिस इज़ माई फर्स्ट ब्लॉग और इस ब्लॉग में आई विल टेक यू अराउंड दैट व्हाट इज 0 माइल फ्रीडम पार्क और ये क्या है। सो लेट्स फ्रीडम पार्क नागपुर मेट्रो का एक मेट्रो स्टेशन है जिसके 2 एंट्री पॉइंट से एक नॉर्थ गेट एक साउथ गेट, और हम अभी नॉर्थ गेट पे खड़े हैं। तो अगर मैं आपको नॉर्थ गेट दिखाऊं तो ये 0 माइल नॉर्थ गेट है, नॉर्थ एंट्री है, यहाँ से ये मेन एंट्रेंस है इसका। अगर हम यहाँ से जाते हैं तो सबसे पहले ये एक 0 माइल नॉर्थ गेट का एंट्रेंस पॉइंट है जहाँ से आप मेट्रो स्टेशन में जा सकते हैं। और अदर देन दिस यहाँ पर ये पूरा एक फ्रीडम पार्क बना हुआ है। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि इसे फ्रीडम पार्क क्यों कहा जाता है। सो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो ये यहाँ पे पूरा फ्रीडम पार्क है, और इसको फ्रीडम पार्क कहने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि यहाँ पर जो हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन लोगों ने अपनी जान देश के लिए कुर्बान करी, और उन सब के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसी साल जिस साल हम आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे थे, तो उसी साल 20 अगस्त 2021 को इसका इनॉग्रेशन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे और ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर रोड एंड ट्रांसपोर्ट श्री नितिन जी गडकरी के द्वारा किया गया था। और ये यहाँ पर वो हिस्ट्री वॉल है जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था कि 0 माइल के बारे में यहाँ पर पूरी इंफॉर्मेशन दी हुई है। अगर आप जैसे ये देखें तो यहाँ पर ये 0 माइल का रीज़न जो कि पूरे इंडिया के सेंटर में आता है उसके बारे में बताया गया है। और अदर देन दिस नागपुर के शहर का निर्माण और सीताबर्डी का किला जो कि एक हिस्टोरिकल चीज़ें हैं नागपुर के लिए और पूरे देश के लिए, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। और ये एक स्वतंत्रता संग्राम का है जिसमें कि नागपुर के सेनानियों के बारे में जिक्र किया गया है। और अदर देन दिस फ्रीडम पार्क को कुछ इस तरह का बनाया हुआ है। अगर आप देखें तो ये वो मेन रोड है जो नागपुर की जो सीताबर्डी को कनेक्ट होती है, और ये सीधा रोड सदर की तरफ जाता है। सो ये एक फ्रीडम पार्क का लुक है, और अभी मैं आपको ऊपर जाके मेट्रो स्टेशन पे दिखाता हूँ। सो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। और बेसिकली ये यहाँ पर ये पूरा उस अमृत महोत्सव और आज़ादी के थीम के अनुरूप ये एक हमारा पेट्रियोटिक फ्लैग यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है इस पिलर पे। और यहाँ पर अगर मैं आपको ये दिखाऊँ तो ये एक आर्मी का टैंक का एक डेमो यूनिट बना हुआ है, और अगर आप इसको देखें तो ये टैंक T-55 है जिसके बारे में कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है। जिसका वेट अप्रॉक्सीमेट कुछ 36,000 kgs है, और इसकी लेंथ और ब्रेड्थ और इसमें कितना इसकी कैपेसिटी है उसके बारे में बताया गया है। तो अगर आप कोई इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप गूगल भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आप नागपुर में रहते हैं तो मैं आपसे तो ये ज़रूर कहूँगा कि आप यहाँ पर एक बार आइए और इस फ्रीडम पार्क को देखिए। सो इसमें बेस्ट टाइम मेरे हिसाब से यह है कि इवनिंग में अगर आप आएँगे तो यू विल सी द इमेंस ब्यूटी ऑफ दिस फ्रीडम पार्क। सकते हैं अगर मैं आपको नॉर्थ एंट्री का एक और गेट दिखाऊँ, सो बेसिकली ये वो दूसरा गेट है, नॉर्थ एंट्री का ही दूसरा गेट है,
और उसके सामने में वहाँ इस रोड के आगे में साउथ एंट्री का गेट है, नॉर्थ एंट्री का ये गेट है जहाँ से अगर आप एंटर करते हैं तो सबसे पहले आप यहाँ पर आएंगे और फिर यहाँ से एक यू टर्न लेके आप ऊपर मेट्रो स्टेशन की तरफ जा सकते हैं। और ये यहाँ पर बैठने की कुछ सुविधा की हुई है, यहाँ पर बेंचेस लगे हुए हैं, आप इवनिंग में आएंगे तो आपको यहाँ पर एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा। और यहाँ पर ये ओपन सा ग्राउंड भी है जहाँ पर आप अपनी फैमिली को लेके आ सकते हैं और बच्चे यहाँ पे खेल सकते हैं। और ये एक मेट्रो का ही, नागपुर मेट्रो का एक डेमो यूनिट बना हुआ है यहाँ पे, और अभी इसका कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है, कुछ कुछ कंस्ट्रक्शन बाकी है, कुछ हो रहा है। और ये जो आप देख रहे हैं ये टावर, ये LED टावर है जो कि इवनिंग में शुरू रहते हैं, मोस्टली 6 बजे से रात के 10 बजे तक शुरू रहते हैं। और ये वो मेट्रो का डेमो यूनिट है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। तो अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो ये यहाँ पर नागपुर मेट्रो का एक ग्रैफिटी है, वॉल ग्रैफिटी बोल सकते हैं आप इसको, अगर आप ये देखें तो ये कुछ इस तरीके का है, #नागपुर मेट्रो। तो ये वो LED शावर्स है जो इवनिंग में काम करते हैं, और यहाँ पर अभी कुछ ये वर्कर्स काम कर रहे हैं। सो ये रेलिंग लग रही है तो ये भी रास्ता ओपन हो जाएगा जिससे कि आप डायरेक्टली यहाँ से इधर आ सकते हैं। और ये वो पूरी बिल्डिंग है, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये यहाँ से कुछ ऐसा है, और ये वो ट्रैक है ऊपर में जहाँ से वो मेट्रो ट्रैक जाती है, और ये फिर वो स्टेशन वो वहाँ पर है। तो चलिए मैं आप अभी मैं ऊपर चलता हूँ और मैं आपको मेट्रो स्टेशन दिखाता हूँ कि वहाँ पर कैसा है। तो मेट्रो ऊपर जा ही रहा हूँ, तो ये वो एलिवेटर्स है और ये उधर लैडर्स है, तो आप अगर आप फिटनेस को मेंटेन रखना चाहते हो तो आप लैडर्स का यूज़ कर सकते हैं। बट मैं अभी इस केस में तो मैं एलिवेटर्स यूज़ करूँगा। और वहाँ से ऊपर जाके अगर मैं आपको दिखाता हूँ, सो बेसिकली ये हम वहाँ थे और अभी हम ये ऊपर जा रहे हैं। तो ये यहाँ से ये मेट्रो स्टेशन शुरू होता है, तो यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। और ये एक ग्रीन बिल्डिंग है जैसा कि यहाँ पे बताया गया है, जिसको IGBC प्लेटिनम रेटिंग्स है। और ये कुछ प्रोटोटाइप बोल सकते हैं हाँ 0 माइल मेट्रो स्टेशन का, जिसके ऊपर 0 सिंबल बना हुआ है। एक्चुअली 0 माइल इंडिया का सेंटर आता है, इसलिए इसको ये वो उसी सेंटर के पास बना हुआ है, इसलिए इसका नाम 0 माइल मेट्रो स्टेशन है। और फ्रीडम पार्क तो मैं आपको बता चुका हूँ कि इसका नाम फ्रीडम पार्क क्यों पड़ा। और ये अभी की मेट्रो स्टेशन मेट्रो ट्रेन्स की टाइमिंग्स है, जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 से खापरी कस्तूजन पार्क के आने और जाने की टाइमिंग्स है। आज ये 23 अक्टूबर को मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, सो इस ब्लॉग में बेसिकली यहाँ से प्लेटफॉर्म्स की तरफ जा सकते हैं। और ये टिकट काउंटर यहाँ पर है। सो इसके अलावा यहाँ पर कुछ ये एक इंटरेस्टिंग गार्डन सा बना हुआ है जहाँ पर आप फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं, और मैं भी अभी नीचे जाके कुछ देर पर फ़ोटोज़ क्लिक करूँगा और आपको दिखाऊँगा कि ये एक्चुअली क्या है। ये अभी पूरा अंडर कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे अभी ग्लासेस लगे हुए हैं और शायद ये अभी कंस्ट्रक्शन पूरा होने का होगा। और ये 20-स्टोरी बिल्डिंग है बेसिकली, जिसमें कि यहाँ पर ट्रेन 4th लेवल से पास होंगी। और ये उसी के कुछ ब्रोशर्स और उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेटिव ग्राफिकल बैनर्स लगे हुए हैं, जैसे कि ये यहाँ पर लिखा हुआ है नागपुर मेट्रो का कि दिस इज़ द स्टेट ऑफ द आर्ट 20-स्टोरी स्टेशन बिल्डिंग विथ पासिंग थ्रू इट्स 4th लेवल। जैसे कि अगर आप वहाँ पर देखें तो ये ट्रेन यहाँ से 4th लेवल से पास होंगी, उसके नीचे में ग्राउंड से 3 लेवल्स और है। अगर मैं वहाँ पर आपको जाके दिखाऊँ तो बेसिकली ये यहाँ से भी एक एंट्री पॉइंट है, और ये यहाँ से नीचे से एक एलिवेटर्स है जो कि आपको ऊपर लाती है, और ऊपर लाने के बाद आप वहाँ टिकट काउंटर की तरफ जाते हैं। सो दिस इज़ इट इज़। और अभी हम आगे चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि और क्या है यहाँ पर। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है और आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं, सो आई रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि आप ये वीडियो लाइक करें, अपने सोशल मीडिया कम्युनिटी पर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और
अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी ब्लॉग्स मेरे चैनल पर आते रहेंगे। आगे ट्रैवल ब्लॉग्स वगैरह भी मैं पोस्ट करूँगा, जो मैं ट्रैवल करता हूँ और जो मैं शूट करता हूँ वो भी मैं पोस्ट करूँगा। सो मैं इंस्टाग्राम, फेसबुक पे और मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे एक्टिव रहता हूँ, तो मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे दूँगा, तो आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है या आपको फोटोग्राफी से रिलेटेड और भी कुछ इश्यूज़ है तो आप मुझे वहाँ पर DM कर सकते हैं, आई विल बी देयर टू रिप्लाई टू यू ऑल। और अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये मेट्रो स्टेशन है 0 माइल फ्रीडम पार्क का, जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ से। हाँ तो ये यहाँ पर, जैसे मैं आपको बता रहा था, रिजर्व बैंक चौक, नागपुर मेट्रो, मेट्रो स्टेशन और सीताबर्डी वेराइटी स्क्वायर, तो दो तरफ के लिए मेट्रो जाती है। तो आप ये जैसे एंट्रेंस पॉइंट है, और मैं आपको यहाँ से अगर दिखाऊँ तो ये बेसिकली मेन एंट्रेंस है, और यहाँ पे स्टेशन प्रवेश लिखा हुआ है, और यहाँ से ये टिकट काउंटर है, आप यहाँ से टिकट्स ले सकते हैं बेसिकली। और ये यहाँ से आप टोकन्स लेके आगे पास करके आप मेट्रो स्टेशन पे जा सकते हैं। अभी मैं यहाँ देखता हूँ, अगर मुझे कोई पैसेंजर मिल जाए तो मैं उनका इंटरव्यू लेता हूँ। सो मुझे एक ही मिले हैं। सो यू हैव बीन ट्रैवलिंग थ्रू नागपुर मेट्रो, सो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा नागपुर मेट्रो के साथ? अमेजिंग, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, एंड नागपुर का गौरव बन गई है नागपुर मेट्रो, और नागपुर वासियों के लिए बहुत सहूलत हो गई है, तो बहुत अच्छा है, सब वर्ल्ड क्लास बन गई है हमारी सिटी, वर्ल्ड क्लास। और आपने जो ये 0 माइल मेट्रो स्टेशन देखा, जिसमें कि 4th लेवल पे मेट्रो अपनी चल रही है और नीचे में 3 लेवल्स है, सो ये जो आर्किटेक्चर है ये आपको मतलब पसंद? अमेजिंग, मार्वलस आर्किटेक्चर, एकदम बेहतरीन है, और एक मिसाल है कि ऐसा लेवल की वो हुई है, बनावट हुई है सिटी में, शहर वालों को गौरवान्वित कर रहा है, प्राउड फील करवा रहा है। तो ये हमारे साथ एक नागपुर मेट्रो के ट्रैवलर थे, आपका नाम? बिलाल पारेख। बिलाल पारेख, सो ये हमारे साथ मिस्टर बिलाल पारेख थे, ये नागपुर मेट्रो से भी ट्रैवल कर रहे थे, तो इनका इन्होंने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। सो ये मेट्रो स्टेशन है, ये नागपुर वासियों को गौरवान्वित करने का एक बहुत बड़ा मौका है, और ये जो आर्किटेक्चर 0 माइल स्पेसिफिकली 0 माइल मेट्रो स्टेशन पर बना है, दिस इज़ टोटली अमेजिंग। सो आई विल रिक्वेस्ट कि अगर आप ये वीडियो कहीं और से देख रहे हो और अगर आप नागपुर कभी ट्रैवल कर रहे हैं तो आप 0 माइल मेट्रो स्टेशन ज़रूर आए। सो अब मैं अगर मैं यहाँ से आपको नीचे जाके कुछ दिखाता हूँ, सो मेट्रो स्टेशन का जो एंट्रेंस का था, ये यहाँ से सीताबर्डी वेराइटी स्क्वेयर के लिए जा सकते हैं आप, और अगर आपको RBI स्क्वेयर की तरफ जाना है तो आप उस तरफ जा सकते हैं। बेसिकली करेंटली वी आर गोइंग टू सीताबर्डी वेराइटी स्क्वेयर मुंजे चौक, एलिवेटर से ये वो साउथ गेट है जिसके बारे में आपसे बात कर रहा था, अगर आप साउथ गेट की तरफ से आते हैं तो बेसिकली ये वो साउथ गेट है, अगर आप साउथ गेट की तरफ से आते हैं तो आप यहाँ से ऊपर आएंगे और फिर आप ये यहाँ से सीधा जा सकते हैं। सो ये साउथ गेट था, और ये सामने RBI स्क्वायर के लिए मेट्रो स्टेशन जाती है, और अगर मैं आपको नागपुर के कुछ बाहर का नज़ारा दिखाऊँ, सो बेसिकली ये वो नज़ारा है, ये मेन रोड है जो कि हमेशा बहुत क्राउडेड रहता है, और ये वो एक टी पॉइंट है। जैसे कि अभी आप ये देख रहे हैं, आज सैटरडे का है तो ये पूरा खाली है, अभी कोई यहाँ पे ज़्यादा पैसेंजर्स दिख नहीं रहे हैं, और वैसे मेट्रो अभी ऑपरेशनल है इस रूट पे, कुछ ट्रेन्स चल रही है। चलिए अभी मैं ऊपर जाता हूँ और मेरे YouTube वीडियो के लिए एक थंबनेल शूट कर लेता हूँ जल्दी से। और अगर मैं आपको दिखाऊँ, जैसे कि आप देख रहे हैं सैटरडे है तो आज ज़्यादा भीड़ नहीं है, और फिर मेट्रो इस दोनों रूट पर ऑपरेशनल है, मतलब यहाँ से आप दोनों तरफ जा सकते हैं इस मेट्रो स्टेशन से। और ये जो बिल्डिंग है, आई मीन इट्स जस्ट टोटली अमेजिंग, कि मतलब यहाँ पर आपको इतना अच्छा व्यू मिलता है। सो ये यहाँ पर जैसे फ्रीडम पार्क के बारे में एरो दिया गया है कि अगर आप यहाँ से सीधा जाएंगे सो आप फ्रीडम पार्क पे जाते हैं, और ये ही वो इन्फोग्राफिक पोस्टर्स और बैनर्स जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। सो नागपुर के लिए ये एक बहुत अमेजिंग स्टेशन है, जो कि एक नागपुर के लोगों के लिए
एक प्राउड मोमेंट है। हाँ, तो अभी मैं ना आपको कुछ दिखाता हूँ। मेट्रो के सामने का टी पॉइंट है, एक्चुअली ये वो टी पॉइंट है जो कि एक बर्डी को जाता है, एक सदर की तरफ जाता है और एक ये फ्लाईओवर की तरफ जाता है जो आपको रहाटे कॉलोनी की तरफ लेके जाता है। सो ये बेसिकली हमेशा से बहुत क्राउडेड प्लेस रहा है और अभी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी सारी गाड़ियाँ हैं, कितनी सारी, लिटरली बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। और ये अभी लोग सिग्नल्स फॉलो कर रहे हैं, सो इट्स गुड कि लोग नागपुर में सिग्नल्स फॉलो कर रहे हैं, जबकि मैंने ज़्यादातर लोगों को देखा नहीं है नागपुर में सिग्नल्स फॉलो करते हुए। बहुत सारे लोग सिग्नल तोड़ देते हैं। तो अभी हम यहाँ से नीचे जाते हैं और मैं कुछ शूट करता हूँ, फोटोशूट करता हूँ, आपको कुछ फ़ोटोज़ में दिखाता हूँ कि वो कैसा था। और फिर उसके बाद मुझे जहाँ तक लग रहा है ये वीडियो काफ़ी लंबी बन चुकी है, तो मैं इसको ज़्यादा लेंथी नहीं करते हुए ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करूँगा। अभी कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करने के बाद में, और वो फ़ोटोज़ मैं मेरे इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट करने वाला हूँ, तो अगर आप मुझे वहाँ फॉलो करते हैं तो आपको ये फ़ोटोज़ देखने को मिल जाएंगी। बेसिकली मैं इसका कुछ अभी फ़ोटोज़ वगैरह लेता हूँ ये फ्रीडम पार्क का, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ वो फ़ोटोज़ कैसी आती है। और अभी ये एकदम सूरज मेरे सिर के ऊपर है, अभी 2:15 बज रहे हैं दोपहर के। और ये जो स्टेशन एंट्री थी यहाँ से जहाँ से हम अभी एंटर किए थे, तो हम अभी ये वीडियो को मैं कहीं पर अपना ट्राइपॉड माउंट करता हूँ और फिर कुछ शूट्स करता हूँ। तो आप देखिए ये शूट्स और फिर मैं इमेजेस के आगे पोस्ट करता हूँ। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। सो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं और मैं कुछ पहले फ़ोटोज़ ले लेता हूँ और उसके बाद फिर मैं आपसे बात करता हूँ। जस्ट एंडेड अप विथ टेकिंग सम अमेजिंग फोटोज ऑफ 0 माइल मेट्रो पार्क। मैं इस वीडियो को अभी यहीं ख़त्म करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी आप दबा लीजिए ताकि जब भी कोई मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।